एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा रफ फिगर बनाओ जो कि एक क्वाड्रिलेटरल हो मगर एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए पर उस क्वाड्रिलेटरल के जो दो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका लेंथ, उनका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। तो देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है, ये एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन देख चुके हैं। वहां पर मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताया था, कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल अलग अलग कैसे होते हैं। तो वहीं से हमको एक क्वाड्रिलेटरल उठाना है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल है मगर वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आपको पता है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है और वो पैरेललोग्राम भी नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो, काइट, ठीक है, ये काइट है। काइट के बारे में मैं आपको एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। इसके जो ये ऑपोजिट एंगल का पेयर है ये हमेशा इक्वल मेजरमेंट का होता है, जितने मेजर का ये होगा उतने मेजरमेंट का ये भी होगा, लेकिन इसके साइड्स इक्वल नहीं है, इसके साइड्स पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि जिसके ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल है मगर वो एक पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ क्वेश्चन।